सर कृष्णस माजी, हम लोग लास्ट वीडियो में बताया था कोई भी अननोन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेरे हाथ में पांच रूल है। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोग रूल वन के बारे में डिस्कस किया था। अब रूल टू बोल रहा है क्या है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स, या फिर एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई, या फिर एक्स प्लस वाई प्लस वन प्रेजेंट आपको दिखेगा तो तुरंत जेड पुट कर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये। तो आपको ये प्रेजेंट दिखेगा तो जेड पुट करना है। उसके बाद बताया था आपको रूल टू जब पढ़ेंगे, रूल वन तो आपको यूज करना ही है, मतलब जब जेड में कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन उसके बाद आप रूल वन यूज करिए, मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो को देखिए एंड तक, आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। आपको बताया था कि x प्लस वाई देखेंगे तो तुरंत आपको z मान लेना है। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई है, इस सम्स में भी सिर्फ x प्लस वाई दिखना चाहिए। ओके, तो z मानने हैं। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई दिखा है तो तुरंत z मानेंगे। अब लास्ट फोर नंबर सम्स आप x प्लस वाई को z मानोगे या x माइनस वाई को z मानोगे, तो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है। तो ये सम्स आपका ये रूल से होगा नहीं। क्यों? आपको बताया था कि ओनली एक्स प्लस वाई या फिर सिर्फ एक्स माइनस वाई दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों ही हैं, तो आप इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में हम लोग, मतलब रूल नंबर फोर्थ में पढ़ेंगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तीन साम से सॉल्व हो, क्योंकि सिर्फ एक्स माइनस वाई दिख रहा है आपको। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन क्या होगा हम करते हैं। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर वन में, गिवन क्या है, गिवन लिख लीजिए वन में, गिवन डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, तो क्या पुट करेंगे, पुट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो आप डेरिवेटिव करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, वाई का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स, और जेड का डेरिवेटिव डी जेड अपन डी एक्स। ओके, यहाँ से डी वाई डी एक्स का वैल्यू बोलिए, डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी जेड डी एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा। तो ये डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं, तो देयर फोर डी जेड डी एक्स माइनस वन इक्वल टू साइन, अब देखिए एक्स प्लस वाई को जेड बने थे जो जेड हो गया। तो आप रूल वन क्या बोलते हैं, रूल वन बोलते हैं कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दैट इज वन प्लस साइन जेड, साइन जेड प्लस वन। ओके, तो आप क्या करना है, आपको z को एक साइड में रखना है, x को एक साइड में रखना है। तो डी जेड अपन वन प्लस साइन जेड इक्वल टू डी एक्स, आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए z एक तरफ आ गया और x को एक तरफ ले लिया, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत सिंपल, यहाँ पे कुछ रेमिस वन है तो आप डाउन आप वन माइनस साइन जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वन माइनस साइन जेड से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन माइनस साइन जेड डी जेड, यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दीजिए, जैसे रैशनलाइज बोलते हैं ना उस टाइप में। देखो वन प्लस साइन जेड का अपोजिट क्या है, वन माइनस साइन जेड, वो अप डाउन मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये कटेगा तो यही आएगा। ओके, तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे करते हैं, चलिए हम मिटा देते हैं, हम बाद में कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग यहाँ पे करते हैं, हाँ नेक्स्ट लाइन देखिए, तो आप क्या करेंगे, वन माइनस साइन जेड अपन ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, साइंस का जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। तो वन माइनस साइन जेड, वन माइनस साइन जेड, वन वन स्क्वायर मीन्स वन, वन माइनस साइंस का जेड क्या होता है, कॉस का जेड प्लस टेन का फॉर्मूला, वन माइनस साइंस का थ्री कॉस का थीटा। अब इंटीग्रेशन का पहला रूल क्या है, स्प्लिटिंग। देखिए ये फॉर्मूला है ना, ये आलू माइनस बैंगन बाई केला, क्या होता है, आलू बाई केला माइनस बैगन बाई केला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आलू बैगन केला। तो देखिए आलू माइनस बैगन बाई केला, तो आलू बाई केला माइनस बैगन बाई केला, तो क्या हो जाएगा, वन अपान कॉस का जेड डी जेड। देखिए यहाँ पर डी जेड हमने लिखा नहीं था, तो आप भी भूल जाएंगे ऐसे मेरे तरह, तो लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि टीचर्स यहाँ पे फोकस करते हैं कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो डी एक्स हो गया, आप देखिए वन अपन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो वन अपन कॉस का थीटा क्या हो जाए, सेक स्क्वायर थीटा।
डी जेड। अब देखिए वन अपन यहाँ पे दो कॉस है, कॉस इंटू कॉस, तो वन अपन कॉस एक कॉस लीजिए तो सेक हो जाएगा, और साइन अपन कॉस, साइन बचे ऊपर में, साइन अपन कॉस और एक कॉस साइन के साथ दे दीजिए, तो साइन बाई कॉस टेन, टेन जेड डी जेड इक्वल टू डी एक्स। तो देखिए टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर जेड, जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन जेड माइनस सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स, तो सेक एक्स सेक जेड टेन जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक जेड, और डी एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स प्लस सी। अब जेड का वैल्यू क्या माने थे, एक्स प्लस वाई को जेड माने, तो जेड का वैल्यू आप एक एक्स प्लस वाई पुट कर दीजिए, तो टेन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। सी क्या है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या था, क्वेश्चन नंबर टू में देखिए गिवन था डी एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। सिमिलरली आप पुट करिए एक्स प्लस वाई को जेड, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स क्या मिलेगा, सिमिलरली देखिए लास्ट समझ में किया है तो डी जेड डी एक्स माइनस वन मिलेगा, तो यहाँ पे पुट करिए तो डी जेड डी एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन जेड, दिस इज जेड दिस इज जेड, तो साइन जेड प्लस कॉस जेड, तो डी जेड डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन प्लस साइन जेड प्लस कॉस जेड। तो आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करिए तो डी जेड ओवर वन प्लस साइन जेड प्लस कॉस जेड इक्वल टू डी एक्स। आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या करते कैसे करते हैं, देखिए एक फॉर्मूला था डी एक्स अपन ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स, इस टाइप में कोई भी इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग सब मल्टीपल एंगल्स फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री। देखिए कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अप एक्स बाई टू अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है टू टेन एक्स बाई टू अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये दोनों फार्मूला यूज कर देते हैं पुट कर देते हैं, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला ये होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है टेन एक्स बाई टू अपन टू टेन एक्स बाई टू अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला हमेशा लगता है आप लर्न कर लीजिए। तो यहाँ पे साइन जेड के जगह पे आप फॉर्मूला लिख दीजिए, तो हमने यहाँ पे करते हैं तो साइन जेड की जगह पे फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा डी जेड ओवर वन प्लस टू टेन जेड अपन टू अपन वन प्लस टेन स्क्वायर जेड अपन टू। कॉस जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस जेड का फॉर्मूला हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर जेड बाई टू अपन वन प्लस टेन स्क्वायर जेड अपन टू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। तो नेक्स्ट लाइन और लिखिए, और आप एलसीएम लिख लेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर जेड बाई टू यहाँ पे है, और यहाँ पर भी वन प्लस टेन स्क्वायर जेड बाई टू है, तो एलसीएम हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर जेड बाई टू, तो टोटल एलसीएम हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर जेड बाई टू, तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस ये वन इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर जेड बाई टू प्लस टू टेन जेड बाई टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर जेड बाई टू, ये हो जाएगा डी जेड अपन डी जेड अपन दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। ओके तो ये देखिए टेन स्क्वायर जेड बाई टू और माइनस टेन स्क्वायर जेड बाई टू कैंसिल, तो आप जब इन्वर्ट इंडो कर देंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर जेड बाई टू ऊपर में चला जाएगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर जेड बाई टू क्या होता है सेक स्क्वायर जेड बाई टू, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर जेड बाई टू ऊपर में चला गया तो बचेगा नीचे वन प्लस वन क्या होता है टू टू वन प्लस वन टू और प्लस टू टेन जेड बाई टू, ये बचेगा डी जेड इक्वल टू डी एक्स। आप देखिए टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो डिनोमिनेटर को जेड मान लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे करते हैं हम तो पुट कर देते हैं पुट कर देते हैं टू प्लस टू टेन जेड बाई टू जेड बाई टू, तो आप जेड तो पुट नहीं कर सकते यहाँ पे टी पुट कर लीजिए क्योंकि जेड तो हमने यूज़ कर लिया, तो टू का डेरिवेटिव जीरो और टू कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा टेन टेन जेड बाई टू का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर जेड बाई टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ जेड बाई टू, डेरिवेटिव ऑफ जेड बाई टू क्या होता है वन बाई टू, क्योंकि हाफ तो वन बाई टू बाहर आ जाएगा जेड का डेरिवेटिव वन हो जाएगा इक्वल टू जी डी टी अपन डी जेड, तो यहाँ पे टू टू कट तो बचेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर जेड बाई टू डी जेड क्या बचेगा इक्वल टू
डी टी। तो देखिए sec स्क्वायर z बाई टू dz इक्वल टू आप डी टी, तो इसके जगह पे आपने डी टी लिख सकते हैं। तो डी टी ओवर ये वन टू प्लस टू टेन जेड बाई टू, इसके जगह पे टी लिख सकते हैं इक्वल टू डी एक्स। तो नेक्स्ट लाइन इज हेयर, देखिए डी टी बाई टी क्या होता है, लॉगमॉट टी डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी, सी इज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। तो टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है टू, टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए टू प्लस टू टेन जेड बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब जेड जेड क्या माने थे, एक्स प्लस वाई को जेड माने थे, तो जेड का वैल्यू एक्स प्लस वाई मान लीजिए पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो टू प्लस टू टेन एक्स प्लस वाई अपन टू। बच्चे यहाँ पे ये टू टू काट देते नहीं, वो तो एंगल है, एंगल के साथ कैसे वो टू कटेगा, तो दिस इज द आंसर। तो सी इक्वल टू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, दिस इज योर लास्ट साम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। ऐसे कोई भी साम्स आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको। तो नंबर थ्री था, क्वेश्चन नंबर थ्री था टेन इनवर्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट साम्स है ये, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप एक काम करिए, क्या करेंगे हमने पुट कर लेंगे एक्स माइनस वाई को जेड, तो क्या हो जाएगा वन, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा और हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो डी जेड ओवर डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स कितना आएगा, इसको इधर लेके जाइए इसको इधर लेके आइए, तो वन माइनस डी जेड डी एक्स। आप इसको इधर लेके जाइए और इसको राइट साइड में लेके जाइए और घुमा के लिखिए, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद वाला लाइन पर आप लिख सकते हो डी वाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो टेन ऑफ एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ओके। तो डी वाई डी एक्स के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, वन माइनस डी जेड ओवर डी एक्स और एक्स माइनस वाई जेड, ओके। तो आप वन माइनस टेन जेड को इधर लेके आइए तो डी जेड ओवर डी एक्स लिख सकते हैं, तो आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करिए, तो डी एक्स को इधर लेके आइए और जेड को उधर लेके जाइए, तो डी जेड ओवर वन माइनस टेन जेड। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आप बोलिए, आप पहले सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, उसके बाद मेरे से हेल्प लीजिए। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स छोड़िए, इसको वन माइनस टेन जेड, वन अब टेन जेड क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो टेन जेड को आप लिख सकते हैं साइन जेड अपन कॉस जेड, ओके। आप एलसीएम लीजिए, तो इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमेटर में कॉस जेड हो जाएगा, यहाँ पे कॉस जेड माइनस साइन जेड डी जेड ओवर दिस। तो आप जब इन्वर्ट एंडो कर देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है ये, तो कॉस जेड डी जेड अपन कॉस जेड माइनस साइन जेड ये हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन एक आपको प्रैक्टिस रखना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो और इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू, देखिए आप पहले हाफ लीजिए, हाफ टू कॉस जेड अपन कॉस जेड माइनस साइन जेड डी जेड, ओके। तो इसके बाद वाला लाइन देखिए, आप पहले इंटीग्रेशन आप इक्वल के नीचे इक्वल दे करते, बार बार हम ये लिखेंगे नहीं, तो इक्वल के नीचे इक्वल दे दिया, आप डिनोमिनेटर में जो है उसको ऊपर में चुपचाप लिख लीजिए। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस जेड माइनस साइन जेड, तो लिख लीजिए कॉस जेड माइनस साइन जेड। आप देखिए न्यूमरेटर में आपका साइन नहीं है तो माइनस साइन जेड एक्स्ट्रा आ गया, इसको प्लस कर दीजिए, देखो ये वैनिश हो जाएगा तो यही आएगा, ये वैनिश हो जाएगा तो कॉस जेड बचेगा, तो यहाँ पे है टू कॉस जेड, तो और एक कॉस जेड आपको चाहिए तो प्लस कॉस जेड कर लीजिए अपन कॉस जेड माइनस साइन जेड डी जेड, यही हो जाएगा, ओके। आप हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि साइन जेड कटेगा तो कॉस जेड प्लस कॉस जेड क्या होता है, टू कॉस जेड। हमने ये क्यों किया, ये इंटीग्रेशन का पहला रूल होता है स्प्लिटिंग रूल, स्प्लिटिंग मीन समथिंग बाय समथिंग प्लस समथिंग बाय समथिंग, आपको स्प्लिट करना है। देखिए तो दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, वो फॉर्मूला बताया था ना, आलू प्लस बैंगन अपन केला, क्या होता है आलू अपन केला प्लस बैंगन अपन केला। देखिए तो ये आप सेपरेट कर सकते हैं, तो इक्वल टू हाफ दिस बाय दिस, तो कॉस जेड माइनस साइन जेड अपन कॉस जेड माइनस साइन जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन साइन जेड प्लस कॉस जेड अपन
कॉस जेड माइनस साइन जेड डी जेड। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। क्या मिस्टेक्स है? यहाँ पे हाफ तो बाहर था, यहाँ पे हाफ लिखना बच्चे भूल जाएंगे, क्योंकि जब स्प्लिट करेंगे तो हाफ भी तो मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन के साथ हाफ भी तो जाएगा, इसलिए ये बच्चे गलती करते हैं। देखिए ये कटेगा तो वन बचेगा इक्वल टू हाफ, ये बचेगा डी जेड प्लस हाफ। अब देखिए कॉस जेड माइनस साइन जेड, इसको इंटीग्रेशन हम यहाँ पे करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लाइन इज हेयर, तो इक्वल टू, तो और लिख दीजिए ये डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हाफ डी जेड प्लस हाफ। ये देखिए हमने पुट कर देते हैं इस इंटीग्रेशन के लिए, कॉस जेड माइनस साइन जेड को आप टी मान लीजिए, तो कॉस जेड का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन जेड, और माइनस साइन जेड का डेरिवेटिव साइन जेड का डेरिवेटिव होता है कॉस जेड इक्वल टू डी टी ओवर डी जेड। आप डी जेड तो माइनस कॉमन लीजिए, साइन जेड प्लस कॉस जेड डी जेड, और माइनस कॉमन लेकर उधर भेज दीजिए, तो माइनस डी टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी ओवर टी। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और डी जेड का इंटीग्रेशन जेड, और माइनस प्लस माइनस हाफ डी टी ओवर टी इज लॉग मॉड टी प्लस सी, सी इज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट लिख लीजिए। आप जेड का वैल्यू क्या था? एक्स प्लस वाई हाफ लॉग, टी का वैल्यू क्या था? टी क्या बने थे? टी इज कॉस जेड माइनस साइन जेड प्लस सी। आप जेड क्या बने थे? एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे देखिए एक्स बाई टू, और ये लेफ्ट साइड में लिखाइए, सारे लेफ्ट साइड में लिख के आ जाइए, तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई ओवर टू प्लस हाफ लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई प्लस सी। ओके, तो देखिए इसको आप एलसीएम लेंगे तो ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स, दैट इज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई अपन टू। यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक्स कर दिया, इसका वैल्यू था एक जेड, जेड तो एक्स माइनस वाई था, यहाँ पे जेड जेड माने थे एक्स माइनस वाई को, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई होगा, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा प्लस। ओके, प्लस हाफ लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस वाई, ओके इक्वल टू सी, इक्वल टू यहाँ पे प्लस सी था, तो यहाँ पे इक्वल टू सी हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स माइनस वाई। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आपको अगर वीडियो को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल के बारे में पढ़ेंगे।